द्वारिके सुगर लिमिटेड कंपनी अपने शेयर का बाईबैक अनाउंस कर चुकी है। 20 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट है जहां पे ये 32 करोड़ रुपए के शेयर को बाईबैक करेगी। इस कंपनी के ऊपर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये कंपनी आने वाले टाइम में इथेनॉल प्रोडक्शन और बायोफ्यूल वाले सेक्टर में एक्टिव होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम द्वारिके सुगर लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे जहां पे कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों को मैं निष्पक्ष होकर आपके सामने रखूंगा हमेशा की तरह। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरा आप लोगों के साथ कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है जिसके नाते मैं चाहता हूँ कि आपको इस कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पता हो। सबसे पहले ये कंपनी जो है वो 1562 करोड़ का मार्केट कैप रखती है और 370 करोड़ इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। सेल्स ग्रोथ रेट 7% है और प्रॉफिट ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है जो कि एक बहुत डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों 15% है जो कि काफ़ी डिसेंट है। पैरामीटर पर सबसे नीचे रखा जाए तो ये रखा जा सकता है। इसके अलावा ये कंपनी लगभग 2.5% का डिविडेंड भी देती है तो आप जो पैसा सेविंग अकाउंट में रखोगे उतना पैसा इस कंपनी के भीतर से डिविडेंड के रूप में आपको मिल जाएगा। शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू की बात कर ले तो शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग 108 रुपये है और जो शेयर के भाव जिस पे ये ट्रेड कर रहा है वो लगभग 81.05 रुपये है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का जनता जनार्दन की जयपुर के, जहां पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के भीतर एक्चुअल में ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका था इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आना जरूरी है जल्दी से जल्दी जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके, इसलिए मैं इसको फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है इसके बारे में हम बात कर ले तो ये मॉडरेट रिस्क में इसको कंसिडर करते हैं। रिस्क में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इस शेयर के भीतर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब हम कंपनी की चल रहे हैं सबसे पहले रेवेन्यू चार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन उससे पहले पीई रेशियो को देख लीजिए। पीई रेशियो को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 14.20 की इसकी पीई है और जो सेक्टर की पीई है वो लगभग 50 के करीब है, यानी कि अपने सेक्टर में ये शेयर पीई रेशियो वाइज अंडर वैल्यूड है। अब रेवेन्यू चार्ट को हम देखते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बताता है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसको अगर आप क्वार्टरली जाके देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर की तुलना में जो रेवेन्यू जनरेट हुई है या फिर जो प्रॉफिट जनरेट हुई है नेट प्रॉफिट वो काफ़ी कम है। आप इसको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, आप पाएंगे कि कंपनी के भीतर जो रेवेन्यू है वो सितंबर क्वार्टर में 448 करोड़ की थी और वही दिसंबर क्वार्टर में 318 करोड़ की रही है। अब आगे चलते हैं और कंपनी की जो देखते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसे हैं। ऑर्डर बुक का पता आप आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी डिलीवर करना रहता है और वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो कंपनी एसेट लगाती है, अपनी संपत्ति को लगाती है, मशीनरी लगाती है जहाँ से कंपनी अपने सर्विसेज को जल्दी से जल्दी डिलीवर कर पाए। और वही चीज़ अगर कम हो रही होती है ना तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक कमज़ोर हुए हैं, तभी कंपनी अपने एसेट को कम की है जिससे लाइबिलिटी कम हो सके कंपनी के ऊपर से। तो वो चीज़ आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी के जो नेट जो टोटल अभी रिसेंट में जो एसेट लगे हुए हैं वो 1280 करोड़ के लगे हुए हैं जो इसके पहले यानी कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 1419 करोड़ के थे। यानी कि ये बता रहा है कि कंपनी की एसेट्स मैनेजमेंट काफ़ी गड़बड़ हुई है। ये मैनेजमेंट पे सवाल उठ जाता है कि अगर कंपनी की ऑर्डर बुक खराब है तो कहीं ना कहीं कंपनी की मैनेजमेंट कहीं कमज़ोर पड़ी है तभी कंपनी की ऑर्डर बुक खराब पड़े हैं। अगर कंपनी की मैनेजमेंट परस्पर कार्य पर लगी रहती तो ऑर्डर बुक मजबूत होते और ऑर्डर बुक मजबूत होते तो कंपनी एसेट को लगाती अपने सर्विसेज को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने के लिए। एक ड्रॉबैक आपको यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि कंपनी के भीतर जो लास्ट रिजल्ट देखने को मिले क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर के वो कमज़ोर थे। अब चलते हैं कंपनी की कैश फ्लो चार्ट पे चल के देखते हैं कि कंपनी के भीतर बैंक खाते में कितने रुपए आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो इस मामले में कंपनी थोड़ी सी भाग्यशाली रही है, कंपनी के पास 215 करोड़ के कैश फ्लो रहे हैं यानी लिक्विडिटी की कमी नहीं रही है इस कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो इसका फायदा फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये होगा कि कंपनी अपने एक्सपेंशन पर पैसा लगा पाएगी, जो एक्सपेंसेस है उसको आराम से देख पाएगी। अब जो चीज़ है कंपनी के कॉम्पिटिटर को देखना ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सेक्टर में आप अगर आप निवेश कर रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेक्टर की जो दिग्गज खिलाड़ी है वो कौन सी है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तब आप एक बेहतर ऑप्शन को उठा के अपने पोर्टफोलियो में रख पाते हैं और बढ़िया रिटर्न निकाल पाते हैं। तो EID पैरी है, श्री रेणुका सुगर है, बलरामपुर चीनी मिल है और भी 2-3 हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं, क्योंकि जब उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट को आप देखेंगे ना तब आप सही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कंपनी के भीतर क्या चल रहा है, क्या चलेगा और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके लिए आप मनी कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी ईजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी के प्रमोटर के पास 42% के स्टेक हैं, म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को कोई मतलब नहीं है, 4% के स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास हैं। इसके अलावा 53% जो स्टेक हैं, 54% मान के चलिए ना, जो कि रिटेल निवेशकों के पास हैं। इसी की वजह से कंपनी के शेयर के भीतर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा डाइल्यूशन रहता है मार्केट के भीतर तो ज़्यादा खरीद बेच होती है और वॉलेटिलिटी बनी रहती है।
डिविडेंड के बारे में अगर बात करें तो लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने दिए थे वो डिविडेंड थे ₹2 प्रति शेयर, और जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो 31 मार्च 2023 थी। कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों को अगर समराइज कर लें तो यही है कि कंपनी के ऊपर कर्ज लगभग 370 करोड़ है, कंपनी की एसेट मैनेजमेंट कमज़ोर हुई है, साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू रिसेंट जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था वहाँ पे कमज़ोर देखने को मिली है। इसके अलावा अपने सेक्टर में ये द्वारिकीय शुगर लिमिटेड स्ट्रगल कर रही है, और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लो की कोई कमी नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं शेयर का बायबैक करने जा रहे हैं, और जो शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी बायोफ्यूल और इथेनॉल प्रोडक्शन वाले सेक्टर में भी बढ़ रही है। तो अब आपको कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पता बहुत अच्छे से चल चुका है, अब आप खुद निर्णय लेने के लायक हो चुके हैं कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। किसी भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के कहने पर किसी भी शेयर को खरीदने अथवा बेचने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श ले लीजिए, वही आपको बेहतर एडवाइस दे पाएंगे कि आपको आपके उम्र के हिसाब से कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए और कौन से शेयर से दूर रहना चाहिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।